दिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। कश्मीर में अलर्ट जारी, आतंकियों के खिलाफ कानून हाथ में ले सकते हैं लोग, कई जगह लोगों ने बनाए जत्थे। आज फिर से बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, राजधानी में पेट्रोल हुआ 100 के पार तो वहीं डीजल के दाम भी 91.47 पर पहुंचे। उत्तराखंड विधानसभा का 5वां सत्र आज से होगा शुरू, पुष्कर सिंह धामी की सरकार पेश करेगी लेखानुदान, सदन के चारों तरफ लागू की गई धारा 144। राष्ट्रीय बाल आयोग ने उठाई सुप्रीम कोर्ट में आवाज, कहा कि जिन बच्चों ने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खोया है उनकी संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। दुबई एक्सपो इवेंट में रणवीर सिंह के साथ थिरके अनुराग ठाकुर, तो वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाएंगे। भारत फिर से बनेगा शांति दूत, रूस और यूक्रेन की कराएगा सुलह। इस सप्ताह रूस के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं, तो वहीं 2 अप्रैल को इजरायली पीएम भी भारत में पधारेंगे। दूसरी ओर टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। इस मैच के दौरान कुणाल और हार्दिक अलग अलग टीम में थे, परंतु दोनों के भाईचारे का नजारा फैंस को देखने को मिला। आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। युजवेंद्र चहल आज पहली बार राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। इससे पहले ये दोनों टीम 15 बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और 8 बार SRH ने दी है राजस्थान रॉयल्स को मात। सुपरस्टार यश स्टारर KGF 2 के ट्रेलर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 10 करोड़ व्यूज। प्रभास की राधेश्याम के ट्रेलर को भी छोड़ा पीछे। RRR ने रचा इतिहास, 3 दिन में 500 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। हम लेते हैं आपसे अलविदा, कल मिलेंगे इसी समय पर।